और हरी मटर हो गई है इनकी, हाँ दाना, ये नमकीन मिर्चा। अच्छा ठीक है, कितने रुपए प्लेट भैया ये? 50, 60, 70। अच्छा कम से, ठीक है टमाटर हो गया, और ये इनका प्याज है, ठीक है हरी मिर्ची, हरी मिर्ची हो गई इनकी, धनिया, हाँ। और भैया कितने टाइम से लगा रहे हो दुकान यहाँ पे? मेरे को हो गए 20-25 साल। 20-25 साल हो गए, तो यहीं पे लगाते हो? यहीं लगाता हूँ। और कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी। यूपी के रहने वाले भैया जी, नाम बता दीजिए एक बार अपना। क्या? सुमित भैया की दुकान है, भेल सुनील। मसाला? हाँ मसाला डाल दो भैया स्वाद अनुसार। ये मीठा है? ये मीठा है, ठीक है। और ये इनकी हरी चटनी हो गई, ठीक है। तो आज हम कनॉट प्लेस में आ रखे हैं भेल खाने के लिए, और सामने यहाँ पे जनपद मार्केट है, तो सामने यहाँ पे जनपद मार्केट लगती है, उसी के सामने लगाते भैया। तो ये सारा बैंक के पास, हाँ ठीक है, सामने बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, हाँ इधर इंडियन बैंक है हमारे रोड पर। तो जनपद मार्केट तो हर कोई जानता ही है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो काफ़ी पुरानी दुकान है यार, अगर यहाँ से गुजर रहे हैं स्वाद ना आए पैसा वापस। तो ये हम थोड़ा सा चख लेते हैं कैसा है टेस्ट में। बहुत स्वादिष्ट हो रहा है यार, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा बना रखा है। तो अभी हम अपने लिए एक प्लेट लगा दें। और भैया लॉकडाउन में कैसा हाल चलता है यहाँ का, मतलब सभी बंदा तो नहीं? सर हम भी गाँव गए। अच्छा सभी बंदा लॉकडाउन लगने खुलने के बाद आए, तो लॉकडाउन ने तो सबकी हालत ही पतली कर दी थी। तो ये डाल दिया ऊपर से धनिया। तो ये है आपका भेल जो कि 50 रुपये प्लेट है मात्र। तो इसे ट्राई करते हैं कैसा खाने में। ऊपर से ये भुजिया डाल के ना भैया, तो ये भुजिया डाल दी भैया ने, तो चलो इसे ट्राई करते हैं, उसके बाद बताते हैं। टेस्ट तो कर ही लिया है, जैसे फटाफट कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा, इसके लिए हम ज़रा सा थंबनेल ले लेंगे बढ़िया सा, और वीडियो को लाइक कर देना। तो ये सुनील भैया की दुकान है, आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर ज़रूर आना, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे भैया। तो आप ये तो आपके भेल, मतलब भेल ही मिल बनते हैं ना, और कुछ भी बनाते हो? अच्छा भेल के लिए जाने जाते हैं, तो मसालेदार भेल खाइए और आनंद लीजिए भेलों का।